राज्य उद्यानिक मिशन के अंतर्गत गोरखपुर मंडल के कृषकों के लिए मंगलवार को राज्य स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन राजकीय उद्यान स्थित विंध्यवासिनी पार्क में किया गया, जिसमें मंडल के जनपद एवं अन्य आंचलिक जनपदों के प्रतिभागी कृषक सम्मिलित हुए। किसान गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर उप निदेशक उद्यान डॉक्टर डी के वर्मा, जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय, जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर आर पी सिंह, डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, डॉक्टर मनी मुरंगन, डॉक्टर प्रताप दिवाकर सहित अन्य पदाधिकारी और किसान बंधु मौजूद रहे। गोष्ठी में किसानों को कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की नवीनतम तकनीकी जानकारी दी गई। अपने संबोधन में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए शासन द्वारा नई नई तकनीकी विकसित की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को उठाना चाहिए और संगोष्ठी और कार्यशाला के माध्यम से नई विद्या की जानकारी लेनी चाहिए, जिससे किसान बंधु अपना उत्पादन बढ़ा करके अपनी आय दोगुना कर सकते हैं। बच्चों की शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो कर आए और वहाँ देखें कि कैसे हम तकनीकी जानकारी दी। एक बार फिर आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उनके कार्यक्रमों से इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए टेक्निकल सेशन के बाद हमारे इनॉग्रेशन सेशन में उनके कार्यक्रमों से उद्घाटन का आप सभी का इस सभागार में एक बार फिर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। हम तकनीकी की ओर बढ़ते हैं, किसानों की उपलब्धता को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आय को दुगना किया जा सके इसी को अलग है संरक्षक है। हमें सद्बुद्धि देती है आशा में एक दीप आशा का दीप प्रज्वलित होता हुआ माँ सरस्वती के चरण कमलों में ऐसा मिशन को दोगुना करने के लिए बहुत चीज बहुत किया हुआ है। उसमें बहुत एग्रीकल्चर में बहुत बेसिक चीज ये होता है बीज, जो आपको जो भी बीज मिलता है वो हाई बिगर का बीज होना चाहिए। बिगर का मतलब क्या है? बिगर है जो बीज आप बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद वो बीज जितना जल्दी आपको बुआई होता है मतलब जमा होता है वो बिगर उसको बिगर बोलता है। अगर जल्दी जमा हो जाएगा तो उसको हाई बिगर बीज बोलता है। अगर आप बुआई करने के बाद 10 दिन होता है 15 दिन होता है तब भी बीज जमा नहीं होता है उसको लो बिगर बीज बोलता है। हमारा मेन गेम ये है वो बिगर को मेंटेन करना है और उस करने के समय जो भी बीज होता है बिगर बीज होता है धान का बीज होता है जो भी बीज होता है वो हाई बिगर बीज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो स्ट्रेस को वो बीज फेस करना पड़ता है। मतलब स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तापमान होता है। जो बीज को हमने आरोप कर दिया है बीज का एनवायरमेंट में वो तापमान होता है टेम्परेचर होता है। अगर बीज हाई टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाएगा तो वो क्या होता है जल्दी डिटेरियरेट होगा और बीज का क्वालिटी कम हो जाएगा। से संगोष्ठी की जाती हो एक ब्लॉक और तहसील स्तर पर की जाती है लेकिन ऐसे तरीके से किए जाए जिसमें बेहतम समय निकाल के उच्च अधिकारी वहां भी कुछ समय लें। होता यह है कि मूल किसान इतना लचर है आज के डेट में भी इतना लचर है कि आपकी अपनी समस्या आपके उचित फसल तक पहुंचा नहीं पाता है। सारी समस्या का जड़ तो सबसे पहले है। दूसरे रूप में जो आपकी योजनाएं हैं इसको मुकम्मल तरीके से ब्लॉक और तहसील पर प्रचार प्रसार के माध्यम से तमाम प्रयास किया जा रहा है लेकिन अब भी पूरे हर किसान के जानकारी में आपकी सारी योजना नहीं आ पाती। ताकि हम तो 30-40 साल पहले जो एक तरफ से हरित क्रांति के चक्कर पे ऐसे उर्वरक ऐसे चीज लगा दिया हम लोग उसका तो ठीक है जरूर तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है बट उसके बाद साथ साथ बीमारियां भी अनेक गुना बढ़ गया है। साथ साथ कैंसर की बीमारी है साथ साथ टीबी की बीमारी है और पहले किसान वाले तो इतने ताकतवर होते तो हम लोग का आश्चर्य होता है गाँव में भी अभी डायबिटीज है हार्ट का मरीज है ये क्या क्या कहाँ का बीमारियां कहाँ का आ गया है सारी चीज। दिक्कत यही है ताकि जो पहले जो टेक्नोलॉजी था उस समय में हम लोग के पास अभी तो 120 करोड़ का आबादी हो गया है उस समय में भी आबादी बढ़ती जा रही थी। उस समय में ऐसे भी एक हालत था जो अनाज है बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था यानी दूर देश से हम लोग को लाना पड़ता था और पिछले सरकार के समय में तब ये नारा दिए थे हमारा नेता है जय किसान जय जवान नारा उस समय में ये हालत था
अमेरिका और रशिया ने मना कर दिया, आप लोग लेते रहते हो कब तक देते रहेंगे, हम लोग मना कर दिए हैं। उसी हालत पे फिर उस समय का साइंटिस्ट ने अपने विचार करते हुए हरित क्रांति लाए, उसके बाद फिर प्रोडक्टिविटी इतना गुना हो गया, अभी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो हम लोग एक पहल किए हैं, उसे सफलता भी पाए हैं, पर उसका साइड इफेक्ट भी बहुत भयंकर हो गया है। हम लोग के आपस में जो देखें कितने बीमारी है और जो लोग का आपस में कमजोरी है, सारे चीज़ है, उसको मिटाने के लिए भी तरीक ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आज ये कार्यशाला में आता हूँ, आज ये कार्यशाला का मकसद है, थोड़ा टेक्निकल तो है बट बहुत फायदामंद है। टिश्यू कल्चर है जो यहाँ जो ज़्यादातर हम लोग का जो किसान है, खासतौर पर जो केला का किसान जो करता है, वो देसी वैरायटी करता है, उसी से ज़्यादा आमदनी भी नहीं मिल पाता है, वो खेती इतने कमज़ोर होता है, मार्केट में ज़्यादा उसका डिमांड भी नहीं रहता है। टिश्यू कल्चर का फायदा इसलिए तो बताया जा रहा ताकि जो टिश्यू कल्चर में आपका जो प्रोडक्टिविटी है अनेक गुना बढ़ता है, साथ साथ उसका डिमांड भी अच्छा है, इसलिए तो आप मान लीजिए तो जो सरकार का नारा है आपका आमदनी 2 गुना कराना है, 4 गुना कराना है, वो आराम से अगर हो जाता है, आराम से हो सकता है। दूसरी चीज़ है ये प्रोटेक्टिव खेती है, यानी संरक्षित रूप से कैसे खेती बाड़ी करना है, ताकि आप तो देख ही रहे हैं जो हम लोग जो कितने भी मेहनत करते हैं बट हम लोगों ऊपर कहीं ना कहीं पर्यावरण का कुछ ना नुकसान करता है। यदि मान लीजिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो फिर उसका गेहूँ में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, दाना छोटा हो जाता है। इसी टाइप का जो मौसम का ऊपर असर पड़ता है वो बिल्कुल नियंत्रित हो जाता है, यही नियंत्रित खेती का एक खूबी है। खासतौर पे जो चीज़ है, सब्जियां हैं, जो चीज़ जो हम लगाते हैं उसको ऊपर जो पर्यावरण का नियंत्रण से कैसे नियंत्रित करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसका देखिए यदि तो हम लोग इसलिए तो नहीं होता है, मान लीजिए इस साल किसी का 100 क्विंटल का जो प्रोडक्टिविटी हो गया, अगले साल ये ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है उनका तो 100 क्विंटल ही मिलेगा, कहीं 50 क्विंटल भी मिल सकता है, 150 क्विंटल भी मिल सकता है, ताकि पूरा पूरा हम लोग निर्भर है टेम्परेचर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, उसी के कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसी के टेक्नोलॉजी आज बताया जा रहा है। ये बहुत फायदामंद लगता है, तो शुरुआत का जो निवेश हो सकता है थोड़ा भारी पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में आपका आराम से 1-2 साल में ही पूरा निकल आता है, उसके बाद पूरा पूरा फायदा मिलेगा आपका। खासतौर पर जो सब्जी खेती का है उस पर अनेक लाभ है, इसमें आप जो कीटनाशक इत्यादि सारे चीज को जो कितने खर्च होते हैं पूरा बच जाता है, साथ साथ आपको जो प्रोडक्टिविटी कम से कम 4-5 गुना बढ़ जाता है आराम से, और एक चीज़ है आपके लिए एक असर टाइप का रह जाता हमेशा के लिए। ये टेक्नोलॉजी तो आज के जो पूर्वांचल के किसान के बारे में आपस में इतने सफल नहीं है ताकि जानकारी नहीं है। हमारा पहले के वक्तगण है वो चेयरमैन साहब ने बहुत सारे चीज़ रखे हैं, बात तो सही है, हम लोग जो इतने कितने इश्यूज़ है जो इंश्योरेंस के लिए बताएं और तमाम चीज़ें बताएं उसको हम नोट करके रखें। इंश्योरेंस में देखिए तो पहले इंश्योरेंस का चीज़ तो है ही नहीं था, अब धीरे धीरे ये अच्छी बात है, अब किसान का आपस में भी इतनी जानकारी मिल रही है और उनको भी पता चल रहा था कि आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो लेते हैं, किसान का लोन लेते हैं KCC के माध्यम से, वो प्रीमियम के जरिए से अपने आप वो फसल तो बीमित हो जाता है। बाकी लोग जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अनेक योजना के अंदर आप बीमित कराना होता है, उसके बाद ये चीज़ इस पर कठिनाई होता है। अब मान लीजिए तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो मान लीजिए आपदा डिक्लेयर करना है, मान लीजिए पिछले साल तो गोरखपुर में बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह लगभग यहाँ 700 गांव डूबा रहा एक महीने और किसान का भारी नुकसान हुआ है। उसके बाद समिति राज्य सरकार से आई थी, केंद्र सरकार आई थी, उन लोग देख के फिर उसका बाद फिर डिक्लेयर कर दिए चलिए ये तो आपदा घोषित होता है। आपदा घोषित होने के बाद ही कितने बीमित किसान है वो एलिजिबल होते हैं। अब ये इसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जरूरी नहीं, मान लीजिए आपका पड़ोस खेत अच्छा हो रहा होगा, आपका किसी न किसी वजह नुकसान हो रहा होगा, ये चीज़ सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान में नहीं ले रही है। दूसरा चीज़ है जो हम लोग इस समय में निर्देश ये मिला है, जानवर की वजह कितने नुकसान हो रहा है जो खेती बाड़ी के खासतौर पर जो छुट्टा जानवर का है, उसी के ऊपर एक तरफ अभियान के तौर से हम लोग चला करके जो छुट्टा जानवर का हम लोग संरक्षित कर रहे हैं ताकि उसी के वजह किसी किसान का नुकसान ना हो। खासतौर पर नील गाय का समस्या बहुत है और जो यहाँ जो जंगली सुअर का है और छुट्टा जानवर का जो आवारा पशु का समस्या है उसको हल करने के लिए बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है। भरोसा है एक महीने के अंदर भी छुट्टा जानवर देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसी हिसाब से योजना बन रहा है। साथ जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। आप जो भी ये किसी टाइप कार्यशाला का आप जो कितने लोग जानकारी ले रहे हैं कृपया करके आपका आसपास किसान को भी बता रहे, आपका जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है।
कौन सी वैरायटी के बीज लाना है, कौन सी वैरायटी बीज को कराना है, सरकार कितने सब्सिडी दे रही है, उसके बाद कौन सी सेंटर में बेचना है, उसके बाद फिर क्या क्या नया तकनीकी है उसका, कौन सी उर्वरक डालना है, कौन सी कीटनाशक डालना है, नहीं डालना है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। फिर होता है कहता है लोन दे रहे और सब्सिडी माफ करें, सारे चीज का बात बन जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देखिए हमेशा किसान तो देता है, लेता नहीं है ना, आप देने के लिए है, इसलिए तो पहले यार आप देते हैं, देते रहते हैं, उसी हिसाब से जानकारी रखें। बाकी सरकार तो सहयोग करने के लिए है ही है, बना हुआ है, ताकि सरकार ने आते आते 36,000 करोड़ का पूरा लोन माफी किया है, आगे भी जो जरूरत पड़ता है जरूर करेंगे, पर सरकार की ये मंशा नहीं आप हमेशा कमजोर बनाए रहे, सरकार का एक ही मंशा आप मजबूत हो जाए, आप मजबूत होते तब देश मजबूत होता है, मजबूत तब होंगे आप, जानकारी रखते तब होता है। इसी कैसे कार्यशाला में आइएगा।